हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 12th of October 2022 12 अक्टूबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले फ्रंट पेज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि है IMF ने कट किया है इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट को 6.8% पर ला के रख दिया है। पहले ज़्यादा था, अब उसको काट करके 6.8% पर ला करके रख दिया है। आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक ने भी हमारा ग्रोथ फोरकास्ट कट किया था 6.5% है। RBI के द्वारा किया गया ग्रोथ फोरकास्ट 7% है, ठीक है ना। तब सबसे पहले तो ये चीज आपको बताया। अब ग्रोथ फोरकास्ट क्यों कट हो रहा है, ऑब्वियसली बहुत सारे रीजंस है। UPSC आपसे पूछ सकता है कि क्यों कट हो रहा है भाई, तो सबसे पहला रीजन तो ये कि ऑब्वियसली जो हमारा जो ग्लोबल स्लोडाउन है, ग्लोबल स्लोडाउन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट, ठीक है ना। सेकेंड इज द रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो ऑयल प्राइजेज है काफी ज्यादा बढ़ गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर इंपोर्ट बिल इंक्रीज हुआ है एंड ग्लोबल स्लोडाउन हो गया। इस कारण से हमारा तीसरा जो पॉइंट है कि हमारा एक्सपोर्ट फॉल हो रहा है, एक्सपोर्ट इज डिक्रीजिंग, इंपोर्ट बिल हैज इंक्रीज एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ग्लोबल स्लोडाउन इज देयर, द सप्लाई चेन्स आर ब्रोकन थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है ना। इसके अलावा जो अभी भी आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ पैंडेमिक आर स्टिल देयर, करेंसी हमारी स्टेबलाइज नहीं हो पा रही, करेंसी इज स्टिल डिग्रेडिंग डे बाय डे, है ना। एंड इन्फ्लेशन इज अनदर पॉइंट, ठीक है ना। तो ऑल दिस पॉइंट्स एंड रिलेट टू एंड कॉज दिस ग्रोथ फोरकास्ट टू रिड्यूस फर्दर, दीज आर द थिंग्स विच आर देयर, ठीक है ना। अब यहाँ पे IMF की एक रिपोर्ट के बारे में लिखा है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो याद रखिएगा ये रिपोर्ट IMF की, याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज वन ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ IMF। IMF ऐसे कई सारी निकालता है इस बार, लेकिन जो 2022 की रिपोर्ट अक्टूबर में निकाली गई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक काउंटरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, ठीक है ना, काउंटरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, ये IMF की रिपोर्ट है, ठीक है ना। उसमें उन्होंने ग्रोथ फोरकास्ट जो हमारा इंडिया का कम किया है, ठीक है। मेन चीज़ उसमें भी यही बताया गया कि इन्फ्लेशन इज अबव टारगेट, मतलब जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है ऑब्वियसली 2 ± 4% का जो 4 ± 2% का जो टारगेट रहता है वो हमने बहुत पहले ही मिस कर दिया था और अभी भी हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर द रीज़न। IMF के बारे में अगर मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बताऊं, तो IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहलाता है, 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं IMF के अंतर्गत, और इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं ग्लोबल मॉनेटरी ऑपरेशन को बढ़ाना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिक्योर करना कंट्रीज़ में, फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल ट्रेड को, हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करना, पॉवर्टी रिड्यूस करना, मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली कंट्रीज़ की, प्रमोशन इन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, जैसे कि कभी अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाती है तो फिर कौन मदद करता है, IMF ही मदद करता है, ठीक है ना। और इनफैक्ट जब इंडिया में हुआ था ये क्राइसिस 1991 में, तो भी IMF से ही हमने लोन लिया था, IMF और वर्ल्ड बैंक से ही लोन लिया था, ठीक है ना, याद रखेगा। IMF का फॉर्मेशन अगर मैं बताऊं तो UN की कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रेटन वुड्स में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, न्यू हैम्पशायर में, वहाँ पे 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें दो मेन संस्थाएं बनी थी आपकी, एक था आपका वर्ल्ड बैंक और एक था आपका दिस IMF, ठीक है ना। ये दो मेन संस्थाएं बनी थी और दिस इज़ द थिंग, इसी कारण से बहुत सारे रोल इसको दिए गए हैं, है ना। और IMF के अंदर बहुत सारे सिस्टम भी हैं, मैकेनिज़म्स में मदद करने के, है ना। अभी इस साल भी क्वेश्चन आया था, IMF का एक मैकेनिज्म पूछा था, है ना। तो ये आप याद रखेगा। मैं आपको बता दूं गवर्नेंस अगर IMF का देखें तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नाम की एक बॉडी बनती है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में एक गवर्नर होता है और एक अल्टरनेट गवर्नर होता है फॉर ईच मेंबर कंट्री, यानी कि हर मेंबर कंट्री दो गवर्नर्स अपॉइंट करती है, एक गवर्नर और एक अल्टरनेट गवर्नर अपॉइंट करती है, तो याद रखेगा दैट इज अनदर थिंग। इसके अलावा IMF में एक कोटा रूल भी है, यानी कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हो IMF को तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है सर्टेन सम ऑफ मनी, जिसको कोटा सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, याद रखिएगा। IMF जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक कोटा सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब कि यू हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी, जो कि बेस्ड होगा चार फैक्टर्स में। वो चार फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, पहला होता है वेटेड एवरेज ऑफ GDP, जो कि 50% वेटेज रखती है, ओपननेस ऑफ योर इकॉनमी, आपकी इकॉनमी की ओपननेस 30% रखती है, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी जो कि 15%, एंड इंटरनेशनल रिजर्व जो कि 5% रहेगा। ये चार पॉइंट दिमाग में रखना, याद रखना है ना, कभी भी IMF से रिलेटेड ये चार पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है, वेटेड एवरेज ऑफ GDP, ओपननेस, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी एंड इंटरनेशनल रिजर्व्स, तो ये चार पॉइंट अपने दिमाग में रखना फॉर द कोटा सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा मेंबर का जो वोटिंग पावर है वो भी इसी कोटा सब्सक्रिप्शन पे ही बेस्ड है।
इसका मतलब क्या हुआ कि मेंबर का जो वोटिंग पावर है वो इन्हीं चार पॉइंट्स पे बेस्ड है। कुल मिलाकर की बात तो वही होगी ना कि मेंबर्स का जो वोटिंग पावर है वो कैसे डिटरमाइन होता है, वो इन्हीं चार पॉइंट्स से डिटरमाइन होता है कि आपकी वेटेड एवरेज कितनी है जीडीपी की, आपकी ओपननेस कितनी है, आपकी इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी कितनी है और आपके यहाँ इंटरनेशनल रिजर्व कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना, और वोटिंग पावर भी यही डिटरमाइन करता है। और एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जो कि आईएमएफ का ही बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, उस वो डिटरमाइन होता है पांच करेंसीज के द्वारा। ये भी मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाए। एसडीआर का जो बास्केट है यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो डिटरमाइन होते हैं वो पांच करेंसीज से डिटरमाइन होता है। एक तो यूएस का डॉलर, एक दूसरा यूरो यूरोपियन यूनियन का, देन चाइनीज रेनमिनबी, जैपनीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है ना। तो ये पांच करेंसीज भी याद रखिएगा जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। अब ये रीजंस मैंने आपको ऑलरेडी इसे बताए हैं, फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यूक्रेन वॉर, रिकॉर्ड इन्फ्लेशन, पैंडेमिक आर द की रीजंस फॉर डिग्रेडिंग द ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया। तो ये मेन रीजंस है, बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है ना। ह्यूमन सेक्रीफाइस इन केरला, तो यहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइस इन केरला ये आपको जैसे न्यूज़ दिख रहा है तो अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि हम ह्यूमन सेक्रीफाइसेस के अगेंस्ट लॉ लेकर के आएँ केरला में, जैसे ही चल रहा है। महाराष्ट्र में आपको याद होगा कि मैंने आपको एक बार पढ़ाया था कि यहाँ पे एक ज़रूर एक प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइसेस एक्ट लाया गया था महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र हैज़ दैट सेपरेट एक्ट। इसके अलावा एंटी सुपरस्टिशंस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट ऑलरेडी है, एंटी सुपरस्टिशंस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट, तो ये कुछ एक्ट्स हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं, बट स्टिल इन सम ऑफ द स्टेट्स इट इज़ गोइंग ऑन, है ना। यहाँ पे हमने देखा, इसके अलावा आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में डिस्कस करना है। सौरभ गांगुली लूजेज आउट ऑन सेकंड टर्म एज बीसीसीआई चीफ। तो जैसे कि अभी एक तो जो कूल ऑफ पीरियड था वो दो टर्म के बाद का सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था, इसलिए लोगों को लग रहा था कि हो सकता है सौरभ गांगुली जी दोबारा बीसीसीआई के चीफ बन जाए, बट नाउ ही इज़ लूजिंग आउट ऑन दैट बिकॉज रॉजर बिन्नी हैज़ फाइल्ड द नॉमिनेशंस फॉर बिकमिंग द बीसीसीआई चीफ एंड आई थिंक दैट इज़ बीइंग कंसीडर्ड। तो देखते हैं, बट स्टिल यू हैव रिमेंबर दिस। यहाँ पे सीजेआई यानी कि हमारे जस्टिस यूयू ललित जी जो कि 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने नॉमिनेट किया है अपने सक्सेसर के रूप में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि 50th जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ही बनेंगे एंड ही हैज नॉमिनेटेड जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एज ए सक्सेसर इन द मीटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स कोलिजियम, है ना। कोलिजियम की मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया, सारे वैसे जजेस बैठे थे अभी तो, है ना। So that is a thing. 3 lakh and counting. RTI please pile up all information commissions across India. तो अब यहाँ पे जो है ये RTI की रिपोर्ट है, है ना। RTI की रिपोर्ट 17 साल हो चुके हैं, यानी कि 2005 में आया था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, और जो कि इंडिया में ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया था, क्या था कि पब्लिक के पास जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो उनको बिना मांगे या फिर अगर वो मांगे तो उनको मिल जाए, ठीक है ना। तो अभी ये रिपोर्ट आई, इसमें यह कहा गया है कि जो RTI एप्लीकेशन हैं वो पाइल अप हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बैठी मतलब रखी रहती हैं। 30 जून 2022 के अकॉर्डिंग 314,323 RTI एप्लीकेशन हैं पूरे देश में जो कि अभी भी पाइल्ड अप हैं, जिनका रेजोल्यूशन नहीं हुआ है, ठीक है। दे हैव इंक्रीज अलॉट, ठीक है। अब RTI लॉ के अंतर्गत ये आपको पता होना चाहिए कि पहले जो जो अथॉरिटी है वो आपकी इन्फॉर्मेशन कमीशन ही है, ठीक है ना। तो इन्फॉर्मेशन कमीशन आपकी अपीलेट अथॉरिटी है और इस कारण से उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा गाज गिर रही है। अब अभी एक और आपको चीज़ याद होगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स किए थे RTI में, तो मैं आपको वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम RTI के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। लेट्स सी सम फैक्ट्स रिगार्डिंग दी RTI। तो यहाँ पे देखिए RTI एक्ट 2005 का जो आया था, इट इज़ बेसिकली सेटिंग आउट रूल्स एंड प्रोसीजर्स रिगार्डिंग सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। इसने रिप्लेस किया था फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट 2002 को, फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट 2002 में था, उसको रिप्लेस किया था, है ना। और इसके अलावा द एक्ट वॉज इनएक्टेड इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इसके अलावा राइट टू इन्फॉर्मेशन, इनको प्रोपोगेट करने के लिए बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया था। की प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो सेक्शन 4 जो है RTI एक्ट का, वो सुओ मोटू डिस्क्लोजर की उसके ऊपर कंडीशन रखते हैं, मतलब कि पब्लिक अथॉरिटी को खुद ही कुछ इंफॉर्मेशन मतलब बतानी रहेगी, वो सेक्शन 4 के अंदर है। सेक्शन 4(1)(b) जब आप देखेंगे तो उसमें 17 पॉइंट दिए हुए हैं, है ना। आप एक्ट अच्छे से पढ़ें अगर तो उसमें 17 पॉइंट दिए हैं जो कि पब्लिक अथॉरिटी को खुद ही मतलब देनी पड़ती है, ठीक है ना।
इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे दूसरा पॉइंट सेक्शन 8(1), सेक्शन 8 का सब सेक्शन 1 जो है वो बताता है बेसिकली कि कौन कौन से बॉडीज़ हैं जिनके अगेंस्ट आरटीआई आप नहीं मांग सकते, मतलब कि एग्जेम्पशंस अगेंस्ट फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। एंड इसके अलावा जो तीसरा है सेक्शन 8(2) जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 2023, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी चेंजेस किए गए वो मैं आपको बता दूं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहले जो था चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन का जो टेन्योर था, चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन या इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का जो टेन्योर था वो 5 साल का था, फिक्स था। अब सेंटर के पास पावर दे दी गई कि सेंटर विल नोटिफाई द टेन्योर ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, ठीक है ना। दूसरा था पहले CIC को एक सैलरी पे की जाती थी इक्विवेलेंट टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना। और अब जो है वो सैलरीज एंड अलाउंसेज जो है वो सेंटर डिटरमाइन करेगा। फिर आपको देखो इफ सच officials are receiving pension or other retirement benefits, their salaries will be reduced by an equal amount to the pension and these provisions have been removed. अब इनको remove कर दिया गया इन provisions को, ठीक है ना। तो these are the things which are there, पहले ये था, पहले नियम जो था वो बता दिया मैंने आपको और अभी का जो नियम है वो बता दिया, ठीक है ना। salaries और allowances और जो उनका term था, tenure था, वो दोनों अब center के पास power चली गई है, ठीक है ना। तो कई लोग इसका oppose भी कर रहे थे। और एक लास्ट चीज़ आपको और बता दो, उसमें जो अपील का प्रोविजंस है, तो जैसे एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन जब दी तो पहले वो PIO को देता है, मतलब पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को देता है किसी डिपार्टमेंट के। अब वहाँ से रिप्लाई अगर 30 दिनों तक नहीं मिला तो, या रिप्लाई सपोज करो मिल गया, तो रिप्लाई मिलने के 30 दिनों के अंतर्गत वो अपील कर सकता है। 30 डेज के अंदर अपील करने का उसके पास पावर है। तो फर्स्ट जो अपील होती है उसमें 2 अपील करने का प्रावधान है। फर्स्ट अपील जो होती है वो 30 दिनों तक के अंदर की जा सकती है। एंड सेकेंड अपील जो है, मतलब कि मान लो दोबारा जो उसको इंफॉर्मेशन मिली उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब वो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के पास या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास अपील कर सकता है और ये प्रोविजन उसको 90 दिनों के अंदर करना रहता है, ठीक है ना। तो सेकंड अपील का जो टाइम पीरियड रहता है वो 90 डेज का रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट, और फर्स्ट अपील 30 दिनों के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक बार हम क्वेश्चन ऑफ द डे देख लें। आप लोग क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए कह रहे थे, लेट सी दैट। पहला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, द टर्म सॉलिडिटी, रस्ट, हस्केल आर रिसेंटली सीन इन न्यूज़। आपको बताना है क्या है ये। ये अगर आपने नोट्स पढ़ी है मैंने जो न्यूज़ की डाली थी वेबसाइट में, तो आपको इसका आंसर बिल्कुल पता होगा क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन बना के ही दिया था वहाँ पे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज आर्टिफिशियली फॉर्म्ड जेम स्टोन्स एंड नेम्स ऑफ चीताज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफ क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स, इंडिपेंडेंट मूवमेंट इन चाइना एंड रशिया टू सपोर्ट डेमोक्रेसी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, सॉलिडिटी, रस्ट एंड हस्केल। लेट मी टेल यू द आंसर, बट आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट करिएगा, बताइएगा कितने आपने सही किए। इसका आंसर है सी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफ क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स। याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कि जो ब्लॉकचेन है वो C++ यूज़ करता है ना, जो आपकी बिटकॉइन है वो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता है, पोलकाडॉट ब्लॉकचेन यूज़ करता है रस्ट, कार्डेनो इसके अलावा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करता है हास्केल, हाँ कार्डेनो, इसके अलावा इथीरियम यूज़ करता है सॉलिडिटी, है ना। तो ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि अलग अलग ब्लॉकचेन बिटकॉइन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो बिटकॉइन C++, पोलकाडॉट ब्लॉकचेन रस्ट यूज़ करता है, कार्डेनो यूज़ करता है आपका हास्केल, सॉलिडिटी यूज़ किया जाता है इथीरियम के द्वारा, ठीक है ना। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस हैज़ रिसेंटली बिकेम इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। कौन सा विलेज है जो कि 24/7 सोलर पावर्ड विलेज बना है? तो ऑप्शन है कोणार्क उड़ीसा, मोढ़ेरा गुजरात, मारतंड कश्मीर या वंदलूर चेन्नई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर, लेट मी टेल यू द आंसर, लेकिन आप अटेम्प्ट करिएगा। इसका आंसर है मोढ़ेरा गुजरात, ठीक है ना। तो दैट इज अ थिंग। तीसरा सवाल है, विद रेफरेंस टू ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स टू प्रिवेंट फर्दर डिटेरियोरेशन ऑफ एयर क्वालिटी वंस इट रीचेज अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। दूसरा स्टेटमेंट है, स्टेज वन ऑफ द GRAP इज एक्टिवेटेड व्हेन द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज इन वेरी पुअर कैटेगरी। तीसरा है, करेंटली इट यूजेज ओनली PM2.5 एंड PM10 वैल्यूज फॉर एयर क्वालिटी। तो कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन आर 1, 2, 3, 1, 2, 2 ओनली या 1 ओनली,
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस, द करेक्ट आंसर इज वन ओनली, पहला बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि पहला स्टेज तो पहले लेवल में ही, यानी कि पुअर कैटेगरी में ही आ जाता है, वेरी पुअर तक आने की नौबत नहीं है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि पीएम 2.5 एंड पीएम 10 पहले यूज होता था, प्रेजेंटली सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स, जो 8 पॉल्यूटेंट्स है, वो यूज किए जाते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ आर्टिकल नहीं जो डिस्कस की जाए, तो यू कैन मूव अहेड विद मी। आगे के पेज पे आते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है एनसीपीसीआर के बारे में आया है, मैटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनसीपीसीआर एक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। तो नेशनल कमीशन फॉर आपका एनसीपीसीआर के बारे में बात कर लेते हैं। ये 2007 में बना था, है ना, अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, याद रखिएगा एनसीपीसीआर बना था 2007 में, और एक्ट है कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। और ये वर्क करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। इसमें चाइल्ड डिफाइन किया गया है 0 से 18 साल के बीच का, और कमीशन का मैंडेट है कि सारे लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स हैं उनको देखना कि ये चाइल्ड राइट्स के साथ मैच करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है ना। दूसरा, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत भी इस एनसीपीसीआर को पावर दी गई है कि वो इंक्वायर कर सकती है कि कोई वायोलेशन तो नहीं हो रहा राइट टू एजुकेशन एक्ट का, या मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की डिमांड कर सकते हैं, रिट पिटीशन दे सकते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना, रिलीफ दे सकते हैं। एनसीपीसीआर का कंपोजिशन अगर मैं बताऊं तो इसमें चेयरपर्सन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एटलीस्ट 2 शुड बी वुमेन, ऑल ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 3 इयर्स, मैक्सिमम एज टू सर्विस इन द कमीशन इज 65 इयर्स, एंड चेयरमैन के लिए 65 इयर्स है एंड मेंबर्स के लिए 60 इयर्स ही है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी आपको पता होगा 2015 का, उसके अंतर्गत भी चाइल्ड वेलफेयर का मैकेनिज्म है, जिसमें चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं, 1+4 की मेंबरशिप होती है, 1 चेयरपर्सन एंड 4 मेंबर्स, एंड उसको स्टेट गवर्नमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इन फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज बनाई जाती हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत, वो अगर कंफ्यूज करने के लिए एनसीपीसीआर करते हैं तो वहाँ कंफ्यूज मत होना, वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत की जाती हैं। लेट्स मूव अहेड, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। पहला एडिटोरियल है सॉल्यूशंस बाय द पीपल फॉर द पीपल। देखो इस आर्टिकल में, वैसे मैं आपको बता दूं कि पहले तो 2 अप्रोचेस के बारे में लिखा है, एक तो कीनीजियन अप्रोच, कीनीजियन यानी कि जॉन मेनार्ड कीन्स की जो अप्रोच थी, और दूसरी अप्रोच है एक तो एडम स्मिथ की अप्रोच है, और यहां पे मिल्टन फ्रीडमैन की भी लिखी गई है। तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं, क्योंकि इस न्यूज आर्टिकल में आपको समझ में आ जाएगा। देखो कीनीजियन जो है, कीनीजियन यानी कीनीजियन जॉन मेनार्ड कीन्स की जो अप्रोच है वो वेलफेयर अप्रोच है, दैट इज द वेलफेयर अप्रोच, यानी कि जो कहता है कि गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए इन रेगुलेशन, ताकि जो आपकी मतलब आपकी जो करेंसी स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, है ना। करेंसी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, करेंसी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये एक वेलफेयरिस्ट अप्रोच है, दैट इज द वेलफेयरिस्ट अप्रोच, है ना, जिसमें कि गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा रहेगा और गवर्नमेंट का रेगुलेशन वाला रोल रहेगा। जो एडम स्मिथ का था, एडम स्मिथ का मॉडल था इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट फोर्सेस। एडम स्मिथ में कहता है लाइसेस फेयर, लाइसेस फेयर यानी कि इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए मार्केट्स में, देयर शुड नॉट बी एनी इंटरफेरेंस इन द मार्केट्स वर्किंग, है ना। तो ये लाइसेस फेयर का सिस्टम है, एडम स्मिथ का सिस्टम है। एंड मिल्टन फ्रीडमैन का जो सिस्टम है, बेसिकली मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि जो आपकी मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करना है, मतलब कि प्राइस स्टेबिलिटी पे ध्यान देता है मिल्टन फ्रीडमैन। वहीं पे अगर मैं बोलूं कीन्स पे, तो कीन्स बात करते हैं करेंसी की वैल्यू की स्टेबिलिटी की, ठीक है ना। तो डिफरेंस क्या है, देखो कीन्स और मिल्टन फ्रीडमैन में, कीन्स बात करते हैं करेंसी की वैल्यू की स्टेबिलिटी की, वहीं पे मिल्टन फ्रीडमैन बात करते हैं आपके प्राइस स्टेबिलिटी की वैल्यू में, है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का जो है उसको। फिर तीसरा एक और मेथड यहां पे ऑथर ने बताया, क्लब ऑफ रोम का, जो 1972 में आया था। उन्होंने कहा भाई क्लब ऑफ रोम ने एक नई चीज दे दी, उन्होंने कहा कि भैया आप हेल्थ ऑफ द प्लैनेट को तो कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो, हेल्थ ऑफ द प्लैनेट शुड बी कैलकुलेटेड, क्योंकि जो कैरिंग कैपेसिटी है प्लैनेट की आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, जो कैरिंग कैपेसिटी है प्लैनेट की उसको आप मिसयूज नहीं कर सकते, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हो। तो ये 1972 में क्लब ऑफ रोम जो लेकर के आए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच को लेकर के आए, ठीक है ना। दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। एंड
ये 2008 की जो क्राइसिस थी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उसने एक चीज़ और प्रूव की कि अगर मार्केट्स इनसफिशिएंटली रेगुलेटेड हैं, मतलब गवर्नमेंट का रोल अगर ज़्यादा नहीं और इनसफिशिएंटली मार्केट रेगुलेटेड है, तो कितना ज़्यादा वो लोगों के लिए ख़राब हो सकता है। लोगों का तो बिल्कुल भला नहीं हुआ है ना, ऑब्वियसली। और जितनी भी चीज़ें हैं, ऑथर का ये कहना है कि वो बैंक्स के लिए आती हैं, वो इकॉनमी के लिए आती है, लेकिन ओवरऑल सिटीजन्स के लिए, पीपल के लिए कुछ नहीं आता। भाई जो लोग घर लूज़ कर रहे थे, जिन लोगों का नुकसान हुआ इतना ज़्यादा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में, उन लोग का तो कोई मदद नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे बेसिकली 3P अप्रोच इंक्लूड करनी है, पीपल, प्लैनेट एंड देन प्रॉफिट। मतलब ये इसी ऑर्डर में होनी चाहिए कि पहले लोग, फिर मतलब प्लैनेट, लोग एंड प्रॉफिट, 3P स्लोगन होना चाहिए। तीनों का आप सोचो, पीपल्स का भी सोचो, प्लैनेट का भी सोचो एंड प्रॉफिट का भी सोचो। अब एक अर्थ फॉर ऑल, अ सर्वाइवल गाइड फॉर ह्यूमैनिटी करके एक रिपोर्ट है, जिसमें 5 चीज़ें लिखी गई हैं। 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहला है भैया एंडिंग पॉवर्टी, क्या क्या करने की ज़रूरत है एंडिंग पॉवर्टी, पहली चीज़। एड्रेसिंग ग्रॉस इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी उसको एड्रेस करो। एम्पावरिंग वुमेन, मेकिंग फूड सिस्टम्स हेल्दी फॉर पीपल एंड इकोसिस्टम, एंड ट्रांजिशनिंग टू क्लीन एनर्जी। ये 5 चीज़ें करने की आवश्यकता है, एंडिंग पॉवर्टी, एड्रेसिंग ग्रॉस इनइक्वालिटी, एम्पावरिंग वुमेन, मेकिंग फूड सिस्टम्स हेल्दी फॉर पीपल एंड इकोसिस्टम, एंड ट्रांजिशनिंग टू क्लीन एनर्जी। तो आपका हेल्थ भी रहेगा, प्लानट भी रहेगा, पीपल भी रहेगा एंड आपका प्रॉफिट भी रहेगा, ठीक है ना। सो ऑल दीज थिंग्स वर द थिंग, है ना। अब ऑथर ने 2 चीज़ें और कही हैं कि देखो, हमको ये भी देखना है कि लोगों का एक्चुअल भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक दो आपको सोशल टेंशन भी देखनी पड़ेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं इकोनॉमिक के कारण, इकोनॉमिक मिसट्रस्ट या इन सब के कारण, इकोनॉमिक चीज़ों के कारण सोशल टेंशन आ रही हैं। और दूसरा, एवरेज वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल, दोनों को आपको मेक श्योर करना है कि आप कर्तव्य, आपकी इकोनॉमी का मेन पॉइंट तभी है जब सोशल टेंशन को आप दूर कर पाएँ और एवरेज वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल को आप बढ़ा पाएँ, ठीक है ना। एंड इसके पीपल आर नॉट जस्ट मेंबर, नॉट मेरली द रिसोर्सेज फॉर द इकॉनमी, जबकि पॉलिसी मेकिंग का पूरा सेंटर ही ह्यूमन बींग है ना। तो ऑब्वियसली बात है, पीपल आर द सेंटर, दे आर नॉट जस्ट मींस, दे आर एंड्स इन सेल्फ, है ना। तो लोगों को आप मींस ना समझें, मेयरली मींस ना समझें, आप उनको एंड समझें। एंड बहुत जरूरी है कि इकोनॉमिक प्रोसेस में चेंज होना चाहिए, तभी जाके लोगों के बारे में, लोगों का भला हो पाएगा। दूसरा एडिटोरियल है, ब्लेमिंग टेक्नोलॉजी फॉर डेथ्स बाय सुसाइड इज अ मिसगाइडेड अप्रोच। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि कई बार NCERB की रिपोर्ट आती है जिसमें ये लिखा रहता है कि जो मेन कॉज है सुसाइड के, उसमें सबसे बड़ा कॉज है टेक्नोलॉजी या ये। तो ऑथर ने कहा कि ये एक मिसगाइडेड फिनोमिना है, सिर्फ टेक्नोलॉजी इज नॉट द रूट कॉज। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट क्या लिखना है, टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स, टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स डेफिनेटली, बट इट इज नाइदर द पेनिशिया नॉर द रूट कॉज। ये आपको दिमाग में रखना है। हाँ, ये पार्ट जरूर है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का, क्योंकि सुसाइड इतनी आसान चीज नहीं जिससे आपने बोले कि सुसाइड का कारण ये था। सुसाइड एक मिक्स ऑफ फैक्टर्स के कारण होती है। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी वाज पार्ट ऑफ दैट मिक्स, टेक्नोलॉजी वाज द पार्ट ऑफ दैट मिक्स, बट यू कैन नॉट से दैट टेक्नोलॉजी वाज द सोल कॉज ऑफ दैट, ठीक है ना। तो कई लोग बोलते हैं कि भाई ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, ये है वो है, वो रूट कॉज है। तो ऑथर ने कहा है कि जो लोग ये कहते हैं, इसका मतलब है कि ना तो वो समझ पाए हैं कि सुसाइड किस कारण से हो रही है, ना वो अपनी पॉलिसीज फ्रेम कर पा रहे हैं, इसलिए जो सबसे इजी चीज है उसको टारगेट किया जाता है। तो ऑथर ने कहा कि 2/3 जो सुसाइड्स होते हैं वो होते हैं आपके बिकॉज ऑफ मैरिज एंड लव रिलेटेड इश्यूज, इसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज के कारण यानी कि ड्रग्स प्रॉब्लम के कारण, फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण, इलनेस के कारण, है ना, इन सब कारण 2/3 डेथ इस कारण से होती है। और आप टारगेट कर रहे हैं उस चीज पे जो कि एक बहुत ही छोटा प्रपोर्शन है, या कुछ हाई प्रोफाइल केसेस चलो जरूर आपने बना दिए, लेकिन तो ये दिखाता क्या कि आपके पास पॉलिसी रिस्पॉन्स नहीं है बाकी चीजों के लिए चुकी। तो वॉट यू आर डूइंग इज दैट यू आर ट्राइंग टू शिफ्ट द ब्लेम टू सम अदर फैक्टर। यस, दैट फैक्टर इज अ पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स, बट दैट इज नॉट द रूट कॉज, दैट इज नाइदर द पेनेशिया, ठीक है ना। द कंक्लूजन इज दैट इट इज नॉट द सोल कल्प्रिट, एंड जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें एक साथ आपको मतलब जो कि है वो मतलब एड्रेस करनी होगी, अवेयरनेस कैंपेन करने होंगे, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स लेकर के आने होंगे, कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए, काउंसलिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है। दे आर ऑल गुड सॉल्यूशंस फॉर मतलब जो भी बुलिंग के केसेस हैं या साइबर बुलिंग के केसेस हैं जो कि हो सकता है सुसाइड का कारण बन जाए। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है।
अगली न्यूज़ है NBDA यानी कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन जो है उसने एक गूगल के अगेंस्ट कंप्लेंट की है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में और कहा है कि गूगल जो है उनको उनका ड्यू शेयर जो रेवेन्यूज़ का है फाइनेंशियल रेवेन्यूज़ का वो नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी समझनी है आपको कि क्या है इशू, ओवरऑल इशू क्या है। देखो ओवरऑल इशू ये है कि आप सबको पता है कि जो मोस्ट ऑफ द 94% ऑफ द ट्रैफिक है वेबसाइट्स का वो कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है आपका गूगल कंट्रोल करता है। अब NBDA यानी कि नेशनल जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन है जो ग्रुप है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स का, उनका ये कहना है कि जब ये ट्रैफिक आता है और ऑब्वियसली वो एड्स शोकेस करते हैं तो जब एड्स और ये सब वो चीज़ दिखाते हैं उसमें जो रेवेन्यू मिलता है तो गूगल जो है वो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ रेवेन्यू रख लेता है अपने पास एंड इन लोगों को बहुत कम रेवेन्यू ही ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा होगा द सेंट्रल कंटेस्टेशन इज दैट द टेक जाइंट हैज नॉट कंपनसेटेड द न्यूज पब्लिशर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू गूगल प्लेटफॉर्म। तो गूगल प्लेटफॉर्म में कंट्रीब्यूट करने के लिए उनको कंपनसेशन प्रॉपर नहीं दिया गया है, न्यूज पब्लिशर्स को नहीं दिया गया है एंड हैज एंगेज्ड इन प्रैक्टिसेस टू बोल्स्टर इट्स मोनोपोली इन दिस स्पेस, और उसमें गूगल अपनी मोनोपोली बना करके रख रहा है। अब क्या ये कंप्लेंट सिर्फ इंडिया के पब्लिशर्स ने की है, तो नहीं, यूरोपियन पब्लिशर्स काउंसिल ने भी फाइल की है एंटी ट्रस्ट कंप्लेन अगेंस्ट गूगल विद द यूरोपियन कमीशन चैलेंजिंग इट्स एग्जिस्टिंग एड टेक्नोलॉजी स्ट्रेंगल होल्ड, जिसमें मतलब कहना कि जो एड टेक्नोलॉजी है वो पब्लिशर्स के ऊपर पूरा का पूरा गूगल का कंट्रोल है, सारे एड एडसेंस और ये सब गूगल की कंट्रोल कर रहा है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते देखते हो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पे उज्जैन में आपको पता होगा महाकालेश्वर टेम्पल है जहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया गया, लगभग 856 करोड़ का कॉरिडोर है, कल इसका इनॉग्रेशन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ऑलरेडी बनाया जा चुका है, राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन भी हुआ है, तो काफ़ी कुछ रिलीजियसली किया जा रहा है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर एंड महाकालेश्वर इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगाज। जब आप देखेंगे आपके लिए एक चलो होमवर्क ही मैं दे देता हूँ, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, तो 12 ज्योतिर्लिंग है, वैसे 12 ज्योतिर्लिंग है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कहां कहां ज्योतिर्लिंग है या कहां कहां नहीं है यूपीएससी में। तो 12 ज्योतिर्लिंग है वैसे, है ना, जैसे कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर, एक तो महाकाल हो गए और एक ओमकारेश्वर ममलेश्वर, ये भी एक ज्योतिर्लिंग है, तो दो ज्योतिर्लिंग तो यहाँ पे ही आपके हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे महाराष्ट्र में बात करेंगे तो महाराष्ट्र में एक भीमा शंकर है, त्र्यंबकेश्वर है ना, ये हो गए। गुजरात में सोमनाथ हो गए, है ना, और एक नागार्जुन हो गए, इसलिए इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे हैं, मतलब आप देख एक बार मुझे बताइएगा, काशी विश्वनाथ बनारस के काशी विश्वनाथ बहुत फेमस है ना, तो एक बार बताइएगा आप लोग कि कहाँ कहाँ आपको पता है मतलब ज्योतिर्लिंग के बारे में। और 12 ज्योतिर्लिंग है, एक बार आप जा करके देख लीजिएगा, है ना, गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, आप मेरे को बताइएगा कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो प्लीज़ डू टेल मी दैट। अब न्यूज़ आ रही है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को एक्सपैंड किया गया है और उसमें एक नई चीज़ इंक्लूड की गई है, दैट इज़ द इंक्लूजन ऑफ स्किलिंग ऑफ गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड ऑप्शंस, ठीक है ना। इंक्लूजन ऑफ गर्ल्स, स्किलिंग ऑफ गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड ऑप्शंस, नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड के लिए गर्ल्स को जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें स्किलिंग उनको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। स्कीम ऑल्सो विल फोकस ऑन इंक्रीजिंग इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन द स्टेम यानी कि साइंस, ये आपके साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में उनका इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। आपको पता होगा कि ये जो स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 2015 में लाई गई थी, अब उन्होंने नया एक इसके अंदर इंक्लूड किया है, बेटियां बने कुशल, याद रखिएगा जो इसका नाम है वो है बेटियां बने कुशल, और उसके कुशल यानी कि स्किल के लिए है इन द नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, है ना, याद रखिएगा एडोलसेंट गर्ल्स। और कल आपको पता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड भी था, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड था, इस कारण से ज़्यादा इस पर फोकस किया गया और इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आप याद रखिएगा।
अब इस आर्टिकल में जज हुज डिसेंट ओपिनियंस आर पावरफुल एज हिज ऑर्डर्स, तो यहाँ पे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तारीफ करते हुए कहा गया है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी, डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी एंड इज नोन फॉर हिज जजमेंट्स एज वेल एज हिज डिसेंटिंग ओपिनियंस। जो उनके डिसेंटिंग ओपिनियंस होते हैं वही बहुत स्ट्रांग रहते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ तो खैर अपने आप में जाने जाते हैं पूरे इंडिया में। एंड उन्होंने कहा है कि एंड उन्होंने ये भी कहा कि डिसेंट कैन नॉट बी सेक्रीफाइज्ड एट द अल्टर ऑफ कंजेक्चर्स, मतलब डिसेंट कैन नॉट बी सेक्रीफाइज्ड, इट इज़ द सिंबल ऑफ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है फ्यूचर जो आने वाला टाइम है काफ़ी लंबे टाइम के लिए चीफ जस्टिस रहेंगे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। तो उन्होंने ये भी कहा था डिसेंट इज द सिंबल ऑफ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड वॉइसेज इन अपोजिशन कैन नॉट बी मजल्ड बाय द परसिक्यूटिंग दोज हु टेक अप द अनपॉपुलर कॉजेस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपोजिशन की वॉइस को मतलब क्रश नहीं किया जा सकता। एंड नेक्स्ट चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो है वो आने वाले हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये आप याद रखिएगा, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंड PM टू लॉन्च इनिशिएटिव ऑफ एनवायरमेंट इन गुजरात। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुतरस जो की हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी विल बी लॉन्चिंग द इनिशिएटिव ऑन एनवायरमेंट इन गुजरात। देख लेते क्या है, स्पेशल इन्वायरमेंट प्रोग्राम है ये जो कि अनाउंस किया गया था। दिस इज़ द इनिशिएटिव ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जून में अगर आपको याद हो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अनाउंसमेंट किया था लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इनिशिएटिव, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही इनिशिएट किया था। उसी का पार्ट रहेगा ये इन्वायरमेंट वाला जो पार्ट है, न्यू इनिशिएटिव ऑन इन्वायरमेंट, ये पार्ट रहेगा आपका लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट का, ठीक है। तो दैट इज़ वॉट विल बी इनॉग्रेटेड बाई एंटोनियो गुतरस। तो ये आप याद रखिएगा, दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट निकाली, इसमें उन्होंने कहा है कि अर्बन पॉवर्टी हैज ट्रिपल्ड इन श्रीलंका एमिड द क्राइसिस, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है श्रीलंका में उसमें ट्रिपल यानी तीन गुना हो गई है अर्बन पॉवर्टी। और इसके लिए उन्होंने कुछ सोल्यूशंस भी दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका शुड इंक्रीज द फाइनेंसिंग ऑफ फॉर सोशल असिस्टेंस, पहला पॉइंट, सोशल असिस्टेंस में खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, कम अप विद अ सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी, एक सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी बनाओ दैट इंक्लूड्स एन ऑपरेशनल वेलफेयर बेनिफिट बोर्ड, एक ऑपरेशन वेलफेयर बेनिफिट बोर्ड बनाओ एंड अ सोशल रजिस्ट्री बनाओ ताकि पता चले कितने लोगों को बेनिफिट मिला है, है ना। टारगेटिंग करो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स की ताकि लोगों को फायदा मिले एंड नई जो फैमिलीज इंक्लूड हुई हैं पॉवर्टी के अंतर्गत उनको भी आप थोड़ा मतलब उनके लिए प्रावधान करो। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड मूव करते हैं आगे, that is it for the day friends, I hope you liked our video, please do like share and subscribe, keep loving us, keep sharing us, thank you and have a nice day।